हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बीते दिनों पूरी इंडस्ट्री में अभिनेता विकी और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की शादी के चर्चे थे। दोनों कलाकारों ने शाही अंदाज में राजस्थान में शादी की थी। शादी के लिए अपने काम से उन्होंने ब्रेक लिया था और अब विकी काम पर वापस लौट चुके और कैटरीना भी काम पर लौटने वाली है। विकी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सैम बहादुर और गोविंदा मेरा नाम में से किसी एक फिल्म के सॉन्ग के शूटिंग में बिजी है। कुछ ही दिन पहले विकी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि वो अब अपने काम पर लौट आए हैं। वहीं कैटरीना भी जल्दी अपने काम पर लौटने वाली है। कैटरीना की आगामी फिल्म टाइगर 3 है। विकेट की शादी से पहले टाइगर 3 की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त फिल्म विदेश में शूट हो रही थी और अब ये भारत में शूट होगी। खबर आ रही है कि जल्दी कैटरीना कैफ नई दिल्ली पहुंचकर सलमान खान के साथ इस फिल्म की शूटिंग खत्म करेगी। यह फिल्म का अंतिम पड़ाव होगा जो कि 15 दिनों तक चलेगा। ऐसे भी सलमान और कैटरीना 15 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। उनके रुकने की सारी व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि टाइगर 3 की शूटिंग रूस, तुर्की, मुंबई और ऑस्ट्रेलिया में की जा चुकी है। दिल्ली में इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल बचा है, जिसे सुपरस्टार सलमान खान और न्यूली वेड कैटरीना कैफ जल्दी खत्म करेंगे। कैट की शादी की वजह से शूटिंग रोक दी गई थी, नहीं तो अब तक फिल्म की शूटिंग हो गई होती। टाइगर 3 से पहले टाइगर सीरीज की जो दो फिल्में बनी थी, दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब टाइगर 3 के रिलीज होने पर यही उम्मीद है कि यह फिल्म फैंस को बहुत पसंद आएगी। आपको बताते चले कि मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म साल 2022 में रिलीज होने वाली है।